Hey guys, welcome to my YouTube channel. If you like my videos, please subscribe and hit the bell icon. You can also search me on Facebook, Twitter and Instagram. I'll see you around. वेलकम टू हेल्थ टॉक, मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन म्यूल ब्रेड। आज हमारे गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर राव कामरान अली। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? गुड, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन हम आपको एक बार फिर देते हैं क्योंकि हम पहले भी डॉक्टर साहब से एक एपिसोड में बैक पेन के हवाले से बात कर चुके हैं। डॉक्टर साहब पेन स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। आप जंग अखबार और एक्सप्रेस अखबार में कॉलम भी लिखते हैं, साथ ही आप हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाक पैक्ट USA। डॉक्टर साहब, हम पहले जब हमारे एपिसोड में हमने बात की थी बैक पेन के हवाले से, आज हम सेकंड मोस्ट कॉमन, जो हमने शो से पहले बात की थी कि विच इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन पेन जिस तरह के पेशेंट्स आप देखते हैं, और वो है जॉइंट पेन। तो आज हम जॉइंट पेन के हवाले से अपने प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आदादोशुमार की बात की जाए तो 15 मिलियन अमेरिकन्स जॉइंट पेन का शिकार हैं। हम अक्सर अपने अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी से सुनते हैं कि भाई जोड़ों में दर्द है, तो जोड़ों के दर्द का इलाज क्या ग़िज़ा से हो सकता है, क्या अच्छी लाइफस्टाइल से हो सकता है, या फिर डॉक्टर साहब के पास आना ज़रूरी है? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, कितना कॉमनली आप देखते हैं जॉइंट पेन के पेशेंट्स को? देखें जी, जॉइंट पेन के पेशेंट्स को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं नी पेन के साथ। ओके जी, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन हर जॉइंट का हम पेन देखते हैं। सही। तो जब जॉइंट पेन की बात आती है तो जॉइंट इज़ लाइक ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, जहाँ आपकी दो हड्डियाँ मिलती हैं और जहाँ मूवमेंट होती है वो जॉइंट है। तो वो चाहे नी का हो, चाहे आपके शोल्डर्स हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, वो हर तरह के जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर साहब उस तरह के पेशेंट्स देखते हैं, राइट? अच्छा जनाब, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हाउ कॉमन इज़ जॉइंट पेन इन योर ऑफिस, हाउ मेनी पेशेंट्स डू यू सी ऑन रेगुलर बेसिस? I think since it's a pain management clinic, I rarely see any patient who does not have any joint pain. Okay. जब हम joint pain की बात करते हैं, याद रखें जो कमर की भी जो पेन है उसमें बेसिकली जो कमर के जॉइंट्स हैं जिनको हम मोरे कहते हैं, जब दो वर्टिब्रास वो एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं वो जॉइंट के ज़रिए ही अटैच होते हैं, तो वो भी बेसिकली कमर के जॉइंट की पेन है। इसी तरह गर्दन जो सर्विकल स्पाइन है उनकी पेन है। इसी तरह जो जब हम जॉइंट का जिक्र करते हैं तो अमूमन लोगों के जहन में ये होता है नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, तो यस इन सब के हम मरीज़ देखते हैं। सही। ये बताइएगा कि जॉइंट पेन किस एज ग्रुप से शुरू होता है, कि इज़ इट 20s, इज़ इट 30s, इज़ इट 40s और 50s या 60s? किस एज ग्रुप से हमें जो है वो अब ख्याल रखना चाहिए कि वी कैन पोटेंशली स्टार्ट हैविंग जॉइंट प्रॉब्लम्स? देखिए, इसकी भी अब कई वजूहत हैं। इसका जो सिंपल तो ज़ाहिर आंसर वही है कि एज़ वी ग्रो ओल्ड हमें जॉइंट पेन होता है, लेकिन अब जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप बहुत हैवी हैं आपको जॉइंट पेन होगा। अगर आपके साथ एसोसिएटेड कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बीमारियां हैं जो अपने साथ जॉइंट पेन लेके आते हैं, मसलन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, वो अपने साथ जॉइंट पेन लेके आती हैं। इसी तरह अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है तो आपको जॉइंट पेन होगा। तो लेकिन इन सब का जो कंक्लूजन वो यही है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो आते हैं वो एज रिलेटेड जॉइंट पेन आते हैं। ओके ये बताइएगा कि आपके पेशेंट्स की कितनी अक्सरियत ऐसी है जो कुछ अरसे तक सेल्फ मेडिकेशन का शिकार रही होती है, OTC ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेकर जो है वो अपना ख़ुद इलाज करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद आपके पास आते हैं? बहुत बड़ी तादाद है जी, और यही वजह है कि जब तक हमारे पास आते हैं तो हालात बहुत बिगड़ चुके होते हैं। ओके देखिए, जब अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि आपने अपना वेट कम करना है, आपने अपनी एक्टिविटी बेहतर करनी है और आपने अपनी डाइट बेहतर करनी है। तो अगर वो हमारे पास टाइम पर आ जाएं और अभी इतनी डी जनरेशन ना हुई हो तो फिर हम उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना के देते हैं। लेकिन जब काम बढ़ जाए तो भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि कुछ हल नहीं है, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो हम जो ट्रीटमेंट के पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बहुत अरसे तक जॉइंट पेन को नहीं ट्रीट किया जाए या सही तरीके से ट्रीट ना हो, उसके क्या नुकसान हैं आगे जाकर? देखिए उसके नुकसान ये हैं कि अगर तो वो डीजनरेटिव आर्थराइटिस है तो वो इतना हद तक ख़राब हो जाएगा कि बोन ऑन बोन कि आपकी जो हड्डी है वो एक दूसरे के साथ रगड़ेगी, जिसके नतीजे में आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी, फिर आपके पास जो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। और अमूमन जब सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है तो आपके पास जो ऑप्शन रहती है वो होती है उस जॉइंट की रिप्लेसमेंट, और ये भी हर जॉइंट में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस की हम आगे जाकर भी थोड़ी मज़ीद डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने सुना एज इज़ अ बिग फैक्टर, कि एज सर्टन एज के बाद आपको जॉइंट की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ सकती है। इसमें लाइफस्टाइल का, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी ग़िज़ा का कितना रोल है? देखिए जो जैसे मैंने पहले कहा, जब एज बढ़ती है तो हमारे अंदर डीजनरेशन होती है, और वो हर एक के अंदर होती है। लेकिन आप देखती हैं कि एक ही 70 साल का जो बंदा है वो रोज़ दौड़ लगा रहा है और उसका कोई मसला नहीं है, जबकि एक ही 70 साल का बंदा वो बेड बाउंड है। और इसकी वजूहत वही हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे मेंटेन किया। आपने शुरू से ही इस चीज़ को भांप लिया कि आपके अगर आर्थराइटिस हो रहा है तो आपने अपने खुराक को कैसे चेंज करना है, आपने अपने वेट को कैसे चेंज करना है, आपने कब डॉक्टर को देखना है। अगर आप जल्दी डॉक्टर को देखते हैं तो इसका मतलब ये कि आपको एक रहनुमाई मिल रही है और उससे आपको मदद मिलती है उस आर्थराइटिस के साथ निपटने में। सही। तो द अर्ली द बेटर। एग्जैक्टली। जितना जल्दी आप, अगर आपके अर्ली साइंस हैं, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो इट जस्ट मेक सेंस टू गो सी अ डॉक्टर अर्ली ऑन, ताकि वो चीज़ ज़्यादा बढ़ के ख़राब ना हो। देखें अगर फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, अगर आपको दर्द है और एक से ज़्यादा बार है बिल्कुल, और आपको उससे आपकी जो लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो आपको फ़ौरन पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को देखना चाहिए, ताकि वो आपकी ना सिर्फ दर्द का इलाज कर सके बल्कि जो लॉन्ग टर्म इनपुट है या लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स हैं उसको भी कंट्रोल कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत से लोग सफ़र करते हैं और हम कुछ पिछले जो प्रोग्राम में हमने बात की कि हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसका ये है कि हम सफ़र कर रहे हैं तो हम सफ़र करते ही जाते हैं, हम इलाज नहीं ढूंढते या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, और हम समझते हैं अब एज हो गई है तो अब हमें इस दर्द का सामना करना है, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपने सही कहा। और देखें जैसे मैंने कहा, फ़र्ज़ करें अब आपको किसी को नी पेन है, वो हमारे पास आता है, तो उसके नी में, अब नी पेन से क्या होगा, अगर आपको नी पेन है और आर्थराइटिस की वजह से है, हम चाहेंगे आप फिज़िकल थेरापी करें बिल्कुल, तो क्या फिज़िकल थेरापी कर सकेंगी दर्द के साथ? नहीं। तो आप हमारे पास आएंगे, अब हम कोशिश करेंगे, एक आप ले रहे हैं दवाइयाँ आइबुप्रोफेन वगैरह, आपको लगता है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे आपके गुर्दे, आपके जो मेदे के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो उसमें हम एक छोटा सा स्टीरॉयड शॉट देते हैं, ठीक है, अमूमन वो शॉट 6 महीने तक लास्ट करता है, लेकिन 6 महीने में आप कितना वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपने मसल्स को बेहतर कर सकते हैं, अपनी कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने रनिंग करनी है, आपने स्विमिंग करनी है, तो आप अपने आप को रिकंडीशन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, वो जो मुर्गा है उसके ऊपर जो कलगी होती है रेड सी, उससे बनता है। ओके। हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, तो उसको हम नी में डालते हैं, वो लुब्रिकेशन होती है। सही। अच्छा, मैंने बहुत सारे, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने ये सुना है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में और बहुत सारे जो है क्या कहना चाहिए, स्किन की ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है फॉर लुब्रिकेशन और मॉइस्चराइजर, एज अ मॉइस्चराइजर। सो इज इट द सेम थिंग? मेरा उसके बारे में नॉलेज कम है। अच्छा। स्किन का तो मेरा इतना नहीं है, लेकिन आई ट्राई टू फाइंड आउट अ लिटिल बिट। तो मैं नहीं कहना चाहता कोई ऐसी चीज़, लेकिन हमारी फील्ड में वो यूज़ होता है। सही सही। उसके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं, अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो हम आप ही का ब्लड निकाल के उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसके 2 हिस्से होते हैं, जो उसको हम स्पिन करके उसी का जो हीलिंग पार्ट है वो हम इंजेक्ट करते हैं। ओके। इसी तरह हमारे पास एक और नई ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे जब बेबी बॉर्न होता है बिल्कुल, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टिव फेज होता है, आपके अंदर रिप्रोडक्शन हो रही होती है, तो उससे आपकी रीजनरेशन के अंदर मदद मिलती है। इज इट समथिंग टू डू विद स्टेम सेल्स? एग्जैक्टली, तो दिस इज काइंड ऑफ स्टेम सेल। फिर इसी तरह हम जो रियल स्टेम सेल्स के जैसे एक्सोसोम्स हैं उनको, या मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं। ओके। और अगर जब ये सब चीज़ें काम ना करें, या कई बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल आपको ठीक नहीं करती, मसलन अगर आपका जो आज आपके नी में दर्द है और आपको अगले साल नया नी लग जाना था, अगर आप उसका ख्याल नहीं करते तो ये आपको प्रोलॉन्ग कर देती हैं कि वो जो नया नी या नी रिप्लेसमेंट 1 साल के बाद होनी थी वो 10 साल के बाद हो सकती है। ओके, तो आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, कुछ साल आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर सर्जरी ना भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड टू नो। डॉक्टर साहब, जॉइंट इश्यूज आर आल्सो कंसिडर्ड अ डिसेबिलिटी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं माजूरी, तो वो व्हाई इज इट कंसिडर्ड डिसेबिलिटी? देखिए जी, जॉइंट इशू इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी। ओके जी, मुझे खुद मेरे पाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं आई हैव डन ओवर 30,000 प्रोसीजर्स। ओके। और तो अल्लाह का शुक्र है, हमने तो पिछले 10 साल में कभी एक दिन भी ऑफ नहीं लिया। तो पेन इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी। होता ये है कि जब आप उसका ख्याल नहीं रखते और वो इस हद तक बिगड़ जाता है कि आप उसके बायस काम नहीं कर सकते, तो वो उस काम ना कर सकने को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो दर्द इटसेल्फ जो है पेन, वो डिसेबिलिटी नहीं। सो पेन इज अ सिम्टम, जो असल कॉज है वो डिसेबिलिटी है। जिस उस पेन को जब इस हद तक बिगड़ जाती है, कोई भी पेन, चाहे वो नी की है चाहे वो बैक की, कि वो इस हद तक चली जाती है कि आप उसके बस काम नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। सही। ये बताइएगा, हम आर्थराइटिस की पहले बात कर रहे थे, तो अब मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा और डिटेल में इस बारे में बात करें। आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या, क्या इसकी इकसाम है इसकी, और साथ मुझे ये मालूम करना है कि कैसे पता चले क्या सिम्टम्स हैं, अर्ली ऑन सिम्टम्स के, अगर मुझे आई एम गोइंग थ्रू इट आई शुड गो सी अ डॉक्टर राइट अवे बिफोर इट गेट्स वर्स। देखिए, आर्थराइटिस जो है बेसिकली इसकी, जब हम किसी भी मरीज़ को देखते हैं ना, उसकी 4 चीज़ें होती हैं, उसको हम SOAP कहते हैं। ओके। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान। ओके। मसलन अगर आपको नी पेन है, आप मेरे पास आते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ये क्या हुआ है, कहीं चोट लगी आपको, या ऐसी जो आपको अचानक से शुरू हो गया, या आपको ग्रेजुअली शुरू हुआ, ऊपर नीचे जाते हुए, चलते फिरते हुआ, सीढ़ियाँ चढ़के जा रही हैं, सीढ़ियाँ उतर के आ रही हैं। उसके बाद फिर हम उसको एग्जामिन करते हैं। Okay. उसके अंदर हम फिर देखते हैं कि क्या उसके अंदर कोई टेयर तो नहीं है, और अगर उसके अंदर कोई क्रेपिटस है, या उसके अंदर कोई स्वेलिंग है, या कोई ऐसी चीज़ लिगामेंटल इशू है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जो इमेजेस करवाते हैं उसके साथ ही, और फिर हम उसको असेस करते हैं। इमेजेस में सिंपल एक्सरे, सिंपल MRI, तो उस चीज़ के बाद फिर हमें पता चलता है कि बेसिकली क्या कोई और मसला है, या इसके अंदर कोई और मसला नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई आर्थराइटिक चेंजेस हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको वो पेन शुरू हो जाती है और आपको एक्सरे या MRI के ऊपर उस वक्त तक कभी आर्थराइटिस नज़र नहीं आ रहा होता। फिर हम उसको विजिट्स करते हैं, और अगेन जैसे मैंने आपको कहा है कि हम आपकी पेन को ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है या नहीं है, इसके बावजूद हम आपकी जो लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंजेस हैं उनकी मदद से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। That's very good to know। तो जनाब, इसी के साथ ही वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम हमेशा की तरह आपसे एक हेल्थ फन क्वेश्चन पूछेंगे, और हमारा आज का आपसे सवाल है, वो कौन सा मौसम है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बेहतरीन है, वो कौन सा मौसम है जो इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन है? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे सवाल किया था वो कौन सा मौसम है जो इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन है। डॉक्टर साहब से भी मैंने पूछा था और उन्होंने जो गेस किया वो क्या था डॉक्टर साहब? नहीं, मेरे जिस्म के लिए नहीं जी, खुशी के लिए। खुशी के लिए, अच्छा चले। मुझे स्प्रिंग पसंद है। हाँ, तो मेंटल हेल्थ के लिए आप समझते हैं स्प्रिंग अच्छा है? मुझे बाहर पसंद है जी। अच्छा जी, तो जवाब जो है वो है सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो आपको एलर्जी से भी बचाता है और साथ ही आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम रखता है। और इसके साथ एक और फ़ायदा ये है कि आप यू गेट क्लैरिटी when it comes to your brain function. So विंटर का जो सीज़न है वो हमारी बॉडीली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जनाब फिर से हम जो है वो प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आज हम डॉक्टर राव कामरान अली से बात कर रहे हैं जो कि एक पेन स्पेशलिस्ट हैं। इनसे हम जॉइंट पेन और जॉइंट हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अगला मेरा आपसे सवाल, हम ब्रेक में जाने से पहले आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे थे और आप सिम्टम्स हमें बता रहे थे, तो ये बताइएगा कि इम्यून सिस्टम का किस हद तक इसमें रोल है और फैमिली हिस्ट्री का कितना रोल है? देखिए, आर्थराइटिस जो कि हम इसको एक जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसको बड़ा एक जनरल टर्म के अंदर ले रहे हैं। आर्थराइटिस की कई इकसाम होती हैं जी, जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस है या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। इसी तरह इम्यून सिस्टम का उसमें रोल होता है कि जब इम्यून बेस्ड जो आपकी डिजीज़ हैं, मसलन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जी, इसी तरह जो आपका एसएलई है और भी कई और डिजीज़ हैं। आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस आपको होता है सोराइसिस की वजह से। तो इनका ताल्लुक है कि जिसके अंदर जिसका इम्यून सिस्टम, लेकिन इनको हम इम्यून सिस्टम इसको का डिसफंक्शन है, इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। बिल्कुल जी, ठीक है। और इसका आर्थराइटिस इट गोज़ हैंड्स इन हैंड विद द ट्रीटमेंट ऑफ दोज डिसऑर्डर्स। तो उसके लिए फिर हम उनको भेजते हैं रेमेटोलॉजिस्ट को, ताकि वो उनके लिए जो प्रॉपर इम्यूनोथेरापी है या और जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं वो उनको फॉलो कर सकें। सही। तो हम बेसिकली उसका जो आर्थराइटिक पार्ट है, जो उसका पेन पार्ट है, हम उस पर तवज्जो देते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है, अब उसकी वजह चाहे ओल्ड एज है, चाहे उसकी वजह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन उसका इलाज तकरीबन सेम है। okay. जो आर्थराइटिस के जो दर्द का इलाज है, okay. हाँ जी, तो उसका हम वही जो हमारा एक सिस्टम है उसी को हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगेन हर किस्म के आर्थराइटिस में फिर वही बात अहम है कि आपकी एक्टिविटी बहुत अहम है, आपकी खुराक बहुत अहम है और आपका लाइफस्टाइल बहुत अहम है। ऑल थ्री गो इन हैंड। आपको अच्छी खुराक लेनी है, अच्छी लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटी। ओके जनाब, एक्टिविटी में फिजिकल थेरेपी भी है, जिम भी है, ये सब चीज़ें। बिल्कुल। अगला सवाल डॉक्टर साहब से मेरा है गाउट के हवाले से। पाकिस्तान में गाउट के बारे में इतना नहीं मैंने सुना है जितना मैंने यहाँ यूएस में सुना है। इट सीम्स टू बी मोर ऑफ अ कॉमन प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि गाउट क्या है एंड हाउ कॉमन इट इज़ दैट यू सी इन योर प्रैक्टिस। देखिए, गाउट जो है इसकी दो किस्में होती हैं। एक या दो किस्में नहीं, आप ये कह लें कि इसको एक है गाउट और एक है सूडो गाउट। okay. तो गाउट में यूरिक एसिड आपका ज़्यादा होता है। okay. या तो ये है कि हम यूरिक एसिड ज़्यादा ले रहे हैं या हमारा यूरिक एसिड निकल नहीं रहा, ठीक है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा। और सूडो गाउट है जो जिसके अंदर बेसिकल कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। उसमें यह है कि बेसिकली जब भी आपके फूड में वो चीज़ शामिल होगा जिससे यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। अब जैसे मीट बहुत ज़्यादा हम खाते हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। इसी तरह सैल्मन जो है उससे भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ज़्यादा, अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि सैल्मन एक्चुअली इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, इज़ गुड फॉर एवरीथिंग, लेकिन सिर्फ यूरिक एसिड। तो बहुत एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब। एग्जैक्टली। और बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छी है लेकिन ज़्यादा हर चीज़ के लिए नहीं। ओके, दैट्स गुड टू नो। तो इसी तरह इसीलिए वेजिटेबल जो हैं वो इसके लिए ज़्यादा बेटर हैं। और फिर मेडिकेशंस हैं जैसे एलोपेरिनॉल है, तो उसको जो हम आप उसके प्रिवेंशन के लिए एलोपेरिनॉल को यूज़ करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, गोल्डन क्वेश्चन ऑफ द डे, हम हर एपिसोड में ये सवाल ज़रूर पूछते हैं जिस भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हो। तो आज चूँकि हम जॉइंट पेन पे बात कर रहे हैं तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द सुपर फूड्स व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हेल्थ। कौन से ऐसे खाने हैं खुराक में हम अपनी शामिल कर सकते हैं जिससे आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहती है? देखिए खाने फिर वही जो आई थिंक इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बैलेंस डाइट। ओके, लॉन्ग एज आपकी डाइट बैलेंस है, उसके अंदर जो प्रोटीन का पोर्शन है वो ज़रा बेहतर है, कार्ब्स कम है, उसके अंदर चिकनाइयाँ कम हैं, और अगर आपके अंदर जो फैट अगर है भी है तो हेल्थी फैट है, जैसे आलमंड्स हैं और जैसे गोवा है, दैट इज़ गुड। ओके, हाँ जी जनाब, वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले हम आपसे एक हेल्थी फन क्वेश्चन पूछेंगे, और हमारा क्वेश्चन आपसे ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने या पीने से आप अलर्ट फील करते हैं? अगर आपको नींद आ रही हो या आप बहुत थके हुए फील कर रहे हो तो आप चाय या कॉफ़ी के अलावा वो कौन सी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे आपकी नींद भाग जाएगी और आप अलर्ट फील करेंगे? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन म्यूल ब्रेड। जनाब, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कॉफ़ी और चाय के अलावा जो आपको अलर्ट कर सकती है, आपकी नींद भगा सकती है, और उसका इस सवाल का जवाब है मिंट फ्लेवर्ड च्युइंगम। अगर आप बहुत ही थके हुए फील कर रहे हैं या फिर आपको नींद आ रही है ड्राइविंग करते हुए या कोई भी काम करते हुए, तो आप मिंट फ्लेवर की च्युइंगम जो है वो चबा सकते हैं, इससे आपकी नींद भाग जाएगी। तो जनाब फिर से चलते हैं अपने शो की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राव कामरान अली से, जॉइंट पेन के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे आर्थराइटिस की और आर्थराइटिस के सिम्टम्स की। हमारे हर शो में हम एक सवाल ज़रूर करते हैं, और वो सवाल है कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जॉइंट हेल्थ को लेकर जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि सुपर फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली रॉन्ग है। अच्छा, ओके, हमें ख़त्म ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। एग्जैक्टली ओके, जो कॉन्सेप्ट है वो है बैलेंस डाइट का। ओके जी, अगर आप बैलेंस डाइट जो हम घर में, आपकी प्रोटीन उसमें ज़्यादा हो, आपके कार्ब्स जो हैं वो हेल्थी हों जी, आपकी फैट भी अगर उसमें हैं तो हेल्दी फैट हों, जैसे आलमंड्स में जो हेल्दी फैट। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं फ़ैट ख़त्म कर दो अपनी डाइट से, लेकिन फ़ैट शायद नहीं ख़त्म करने चाहिए, हेल्दी फ़ैट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली, जैसे आलमंड्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें हेल्दी फैट होता है। इसी तरह एवोकाडो है, बिल्कुल, उसके अंदर हेल्दी फैट होता है। इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें आपको लग रहा है कि आपकी डाइटरी जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो आप सप्लीमेंट्स लें। जो कि वाइटामिन हैं क्वाइट चीप है, मसलन वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, कैल्शियम। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी तक कुछ स्टडीज़ ने कुछ इतना शो नहीं किया, लेकिन ग्लूकोसामीन भी कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं जॉइंट आर्थराइटिस के हवाले से। ठीक है, अगर आप कोई सप्लीमेंट के तौर पे लेना चाहे तो इसमें नथिंग रॉन्ग, लेकिन ये आपकी जो बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगली बात हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे नी सर्जरी के बारे में। अक्सर हम सुनते हैं अपने आसपास के लोगों से कि उनको रेकमेंड की जाती है कि अब टाइम आ गया है, यू हैव टू डू अ सर्जरी, अदरवाइज देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फर्दर और बियॉन्ड दैट। तो डॉक्टर साहब, नी सर्जरी कितनी कॉमन है, और आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं क्या उनको आप अपनी ट्रीटमेंट से नी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं या नहीं? देखिए, एक तो ये है कि इस पे डिपेंड करता है किस नी के किस हिस्से को इंजरी हुई है। ओके, और कितनी बुरी इंजरी हुई है। मसलन अगर आपका मेनिस्कस है, उसके अंदर टेयर है, छोटा सा टेयर है तो ठीक हो जाएगा कंजर्वेटिवली, या उसको हम PRP, वो भी उससे भी ठीक हो जाएगा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो खून में से प्लेटलेट्स निकालते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, और फिजिकल थेरापी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा टेयर है तो फिर उसको सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी से ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका कोई लिगामेंट है वो इंजर हो गया है और वो काफ़ी बड़ी इंजरी है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। जहाँ तक आर्थराइटिस का है, आर्थराइटिस की जो सर्जरी है वो मेनली नी रिप्लेसमेंट होती है जिसमें आपको मेटल का नी लग जाता है। सही। अब उसकी अपने मसाइल हैं। अगर आपने नी का अपना ख्याल नहीं रखा, अगर आपने उस नी को उठाने वाले मसल को स्ट्रॉन्ग ना किया तो आपको वो नी बाद में लग भी गया, उस नी को उठाएगा कौन? सही। तो सर्जरी जो है वो एक ऑप्शन है, लेकिन सर्जरी से का ये मतलब नहीं है कि आप बगैर कुछ किए बगैर ही चले जाएँ सर्जरी के लिए। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सर्जरी टू। इसीलिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, इससे पहले कि वो सर्जरी के लिए आपको भेजे, वो आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है, आपके दर्द को ठीक करता है, आपकी प्रॉपर जो है स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनिंग करता है और फिर आपको रेफर। सही। डॉक्टर साहब, ये सवाल हमने पहले भी एपिसोड में पूछा था जब लास्ट टाइम हमने आपसे बात की थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉस्ट हाई है, यूएस में मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, जिनका आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है, उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना हो जाता है कि कैसे डॉक्टर के पास जाया जाए और कैसे ये सब पे किया जाए। तो हम उन अपने नाजरीन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए सवाल पूछना चाहते हैं कि उनके लिए क्या रिसोर्सेज हैं, लोकली क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे जो है वो सफ़र ना करें और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट पा सकें। देखिए, आपने ये सुना होगा, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके। अगर आपको नी का दर्द है जी और वो आप उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपका तकरीबन 200 या 300 का खर्च होता है जो इनिशियल कंसल्टेशन है, और आपको जो इंजेक्शन भी है वो तकरीबन $100 का होता है इनिशियल। ओके। और फिर उसके बाद आपको फिज़िकल थेरापी के लिए भी एक आध सेशन ले सकते हैं, वो भी 100, 150, 200 में हो जाता है। और वही सेशन फिर आप घर में कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने 400-500 के इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर की, उससे आपको पता भी चल गया कि मसला क्या है और उसके साथ साथ आपका जो काम का भी मुस्तकबिल में खर्च नहीं होगा। ओके। लेकिन अब आप उसको बचाते हैं अपनी तरफ से, अब आप पैसे बचा रहे हैं और आप दवाइयाँ खा रहे हैं, ये बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो उसके लिए देखें आपकी मज़ीद स्टडीज़ होंगी। अगर आपके MRIs वगैरह होते हैं तो उस पर होगा। अगर आपको एडवांस इंजेक्शन जैसे PRP, एमनियाटिक फ्लूइड, स्टेम सेल, इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जितना आप वेट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ट्रीटमेंट महंगी होती जाएगी। ट्रीटमेंट भी महंगी होती जाएगी और आपके जो लॉस काम का भी तो होगा ना, जो आपके पैसे आ रहे हैं कमाई वो नहीं होगी। और उसके बाद अगर ये बात चलेगी सर्जरी तक तो फिर तो बहुत ही महंगी होती है सर्जरी। एंड स्पेशली इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली। तो एक तो ये कि आपको डॉक्टर को देखना चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए एंड अर्ली ऑन, जल्दी दिखाएं, वेट ना करें। एग्जैक्टली। लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि हम समझते हैं कि चूँकि हमारे मज़हब में भी है कि आप लोगों का ख्याल करें, तो अगर कोई वाकई ऐसी सिचुएशन में है जिसके पास वसाइल नहीं है बिल्कुल भी, और तो मैं उसको फ्री देखने को तैयार हूँ, उसकी कंसल्टेशन फ्री होगी, फिर उसके बाद जो भी आगे चीज़ें होंगी वो उनसे डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम तो पेमेंट प्लान भी वी कैन हेल्प। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एटलीस्ट आप आएँ और आप अपने आप को एटलीस्ट जो है चेकअप तो करवाएं ना, ताकि आपको पता चले आप किस मुकाम पे इस वक्त आपकी जो सेहत है। बिल्कुल। सो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी और गुड टू नो दैट यू आर एक्चुअली डूइंग कम्युनिटी सर्विस एज वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम का और हम यहीं अख्ताम करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। और जैसे मैंने कहा कि अपना ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, एक्टिव रहें, और इस सब के बावजूद भी अगर आपको दर्द है तो और आपके पास पेशे के वसाइल नहीं भी हैं तो आप परेशान ना हो, आप हमें रजू करें। आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। हमारे ऑफिसेज रिचर्डसन में हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल में हैं और फोर्ट वर्थ में हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। जी, तो जनाब प्रोग्राम का अख्ताम हम यहीं पर करते हैं और जाने से पहले सिर्फ यही कहेंगे अपना और अपनी फैमिली का और अपने आसपास रिश्तेदारों और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके चुने गए टॉपिक पर बात करें या आपको कोई डिज़ीज़ या बीमारी का सामना है और आप उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना टॉपिक। हमारा email एड्रेस है info@vosa.tv। साथ ही आप Facebook और ट्विटर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ हम आपसे इजाज़त लेते हैं प्रोग्राम हेल्थ टॉक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली बार मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।